जी वालेकुम गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हो सारे मैं उम्मीद करता हूँ सब मेरे दोस्त खैरियत से हैं आज मकसद ये है उर्दू में यूट्यूब की फोकास्ट वीकली बताने का बिकॉज काफ़ी सारे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि आप थोड़ा उर्दू में भी कभी बता दिया करें बट आई एम जस्ट सेंग दैट मनी पीपल आर यूजिंग फ्राम आउट ऑफ कंट्री सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर माई पाकिस्तानी एंड इंडियन क्लाइंट्स स्पेशली बट आई विल डिफ़ाइन द लेवल इन उर्दू एज नो उर्दू लैंगवेज इज़ अवर मदर टंग डैट्स वाई आई यूज़ द उर्दू लैंगवेज सो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों दरम्या में मैं लेवल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स वगैरह बताता रहूँगा तो थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज़ करनी पड़ी तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा बिकॉज इसमें इस क्लिप को आप नहीं देखेंगे सारे दोस्त देख रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्ट लेता हूँ यूरो ए यू डी वीकली एनालिसिस से आप लोग देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी अगर वीकली चार्ट पे जाएं तो हमें एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है अभी करंट नाउ अभी देखें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना था वी सेवेंटी फ़ाइव में ठीक है इसमें अगर आपको मैं हेड एंड शोल्डर्स का बताऊं तो हेड एंड शोल्डर्स का एक आप ये ये शोल्डर है राइट शोल्डर right और अगला शोल्डर आपको बता सकता हूँ मैं दिस वन इज़ दिस वन सॉरी ये वाला लेफ्ट शोल्डर ओके एंड नेक लाइन दिस इज द नेक लाइन ठीक है ये हमारी नेक लाइन थी और ये हमारा हेड था सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ये हमारी राइट नो सपोर्ट एरिया है दिस वन और जिस पे हमें रिवर्सल मिल सकता है इस वीक के अंदर सॉरी ये वाला जहाँ पे मार्केट खड़ी है अभी ऑलमोस्ट दिस इज़ नेक लाइन सपोर्ट एरिया सो मार्केट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ से रीटेस्ट करने जाएगी इस एरिया को यूरो का बताना चाह रहा हूँ मार्केट विल गोइंग टू रिटेस्ट दिस एरिया बिफोर मोर सेल मैं आपको बता देता हूँ uh, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल ले सकती है लॉन्ग सेल की तरफ तो ये एक एनालिसिस है यूरो ए का ऑन और डेली डेली टाइम फ्रेम सॉरी आई एम नॉट सेइंग सिंग वीकली इट्स ऑन डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पर यह हेड एंड शोल्डर बना के आ, बना रहा है बट अभी जो है ना रीटेस्ट भी अभी दोबारा करेगा बन चुका है और मूव भी इफ़ यू मैं थोड़ा चार्ट को जूम करूँ आप मूव भी देख सकते हैं ये मूव मैंने आपको दिखाई है ये अगली इसकी एक्सपेक्टेड मूव है ठीक है यहाँ तक सो ये मूव आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द मूव फॉर द नेक्स्ट यूरो सो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गए नेक्स्ट पेयर मैं बता देता हूँ आपको आ, चलें मैं आपको यूरो यूरोसिटी बता देता हूँ यूरोसिटी को आप चेक करें मेरी इस पर पोजिशन हेल्ड है सेलिंग सेलर्स की और आप ये देख सकते हैं कि अभी वाली सॉरी ये लाइन थोड़ी सी फ्रेम पे क्यों गलत आ रही है ये एक डाइवर्जेंस बनी हुई है ठीक है जिसने मार्केट को सेल लेके आना है और एच फोर पर मैं अगर आपके पास जाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने अभी जो लेवल ब्रेक किया है लेट मी ड्रा द एरो ये लेवल मार्केट की मूव ये एक्सपेक्टेड होने वाली है लुक लाइक दिस काइंड ऑफ मूव ओके सो इमीडिएट टारगेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर द नाउ इज़ नो ऑलमोस्ट यही एरिया है कह सकते हैं आप ये जो अभी जिसमें रीजन मैंने बता दिए है थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ दिस एरिया दिस मूव इज़ परफेक्ट हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंट आई एम श्योर अबाउट दिस मूव आई टेक दिस टू इंट्रीज़ मैंने टू एंट्रीज भी ली हुई हैं ऑलरेडी और आप देख सकते हैं ठीक है एच फोर पर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसमें डाइवर्जेंस बनी हुई है और मूविंग uh, एवरज जो मेरी स्ट्रेटी है आई एम यूजिंग उसने भी क्रॉस करके टेक्निकली मुझे सेल का सिग्नल दे दिए ठीक है फॉर द नेक्स्ट पीरियड आप देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट इज़ दिस और मैं आपको अगला टारगेट बताता हूँ यूरो यू का दैट इज़ अराउंड देख लें आप दिस जो लास्ट ट्रेड्स हैं मेरे सारे ट्वेंटी फिफ्टी तक ये मार्केट नीचे आना है और दिस वीक आई एम जस्ट लुकिंग सेल साइड ऑफ यूरो डी ठीक है और यू गाइज ऑल्सो टेक इस पर सेल ट्रेड ले सकते हैं आप लोग और एस एल इसका अगेन वन ट्वेंटी थ्री फोर्टी और वन ट्वेंटी थ्री जो डाइवर्जेंस एरिया बना हुआ है लास्ट हाई ब्रेक होता है तो इसने एक इशारिया पच्चीस तक भी चले जाना है मैं आपको अगला बताता हूँ पेयर नेक्स्ट पेयर इस जी बी पी यू एस डी जी बी पी यू एस डी बहुत अच्छी मूव देने वाला है सेल साइड पर क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी डाइवर्जेंस एक बनाई है आप आ, को मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ एच फोर पर ये देखें ये एक डाइवर्जेंस बनी है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ने भी रिस्पेक्ट की है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ठीक है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की भी रिस्पेक्ट हुई है सॉरी दिस ठीक है और ये आपकी हुई थी डाइवर्जेंस सो आप देख सकते हैं इट्स अ परफेक्ट सेल ऑन जी बी पी यू एस टी परफेक्ट सेल ऑन एच फोर सो so, मैं इसका फर्स्ट टारगेट आपको बता देता हूँ कि आपने क्या टारगेट रखना है अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली रख लीजिएगा बट इंट्री जो है ना राइट टाइम पे राइट right इंट्री मैं कॉपी ट्रेडिंग पे ख़ुद लगाता हूँ और ग्रुप्स में भी अपने जो पेड ग्रुप्स हैं उनमें भी दे देता हूँ ये यह देखें यहाँ तक एटलीस्ट मुझे नज़र आ रहा है अभी फिलहाल अगर टेक्निकलिटीज़ पर जाया जाए बट फंडामेंटल्स भी सपोर्ट करेंगे इस ट्रेड को ठीक है आप देख सकते हैं ये क्लियर लेवल है वन थर्टी फोर थर्टी थर्टी फोर थर्टी इज़ द टी पी फॉर माई जी बी यू एस ई ट्रेड ठीक है जैसे मार्केट ओपन हो आपने इमीजिएट सेल ले लेनी है ट्रेड और ये कन्फर्म ट्रेड है इंशाल्लाह और ये ट्रेड आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी हाई रिस्क रिवॉर्ड सॉरी हाई रिवॉर्ड ट्रेड ट्रेड है रिस्क आप देख लें रिस्क वही है जो मेरा डाइवर्जेंस स्टैंड लाइन होती हैं वन थर्टी सेवन वन थर्टी सिक्स वन थर्टी सिक्स थर्टी जो है ना ये इसका असल है ये दिस दिस एरिया ये इसका एस है जो मैंने आपको अभी रेड लाइन दिखाई है वन थर्टी सिक्स और टी पी इज़ वन थर्टी फोर थर्टी जी बी बी यू एस टी एच फोर टाइम फ्रेम लाइव एनालिसिस बाय दानी राजा ठीक है मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ और मैं गोल्ड अक्सर बताया करता अच्छा गोल्ड का बता देता हूँ गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त मूव दे रहा है गोल्ड आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने सेल इंट्रीज निकाल के मैंने सिक्सटी फाइव पे बाइंग और बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर मैंने सिक्सटी पे बाई ट्रेड लिया बट अभी मैं अपने बेनिफिट ऑफ डाउट को क्लियर करके और वेरीफाई भी कर देता हूँ आप चेक करें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन चुका है इसके अंदर भी डी वन जाते हैं हम सॉरी H4 फोर जाते हैं मुझे H4 फोर पे, पे समझ आया था नो डी वन डी वन जाते हैं आ, इस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है मैं बता देता हूँ एक शोल्डर और यहाँ पे देखें आप हेड ये एक और शोल्डर बनने जा रहा है इट्स अंडर फॉर्मेशन अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ से आपको जो ट्रेड मिलेगा ना मैं आपको ट्रेड भी बता देता हूँ कैसा ट्रेड मिलेगा और आपने ऑब्ज़र्व करके बताना भी है यहाँ से इस तरह का ट्रेड मिल सकता है हमें ठीक है ये लेवल्स में खेल रहा है और ये लेवल्स में ही खेलेगा मैंने इसको डी वन पर क्यों बताया है? क्योंकि इस वक्त इसका जो लेवल चल रहा है करंट राइट नाउ दैट इज़ अठारह सौ सन्तालीस एटीन फोटी एट फोटी सेवन ठीक है यहाँ से इसने लास्ट टाइम रिजेक्शन देखे अठारह अट्ठाईस तक गया है डेली की कैंडल के और रिजेक्ट हुई है एच फोर पर चले जाते हैं हम एच फोर पर आप ख़ुद चेक कर सकते हैं जो चार्ट मैंने बताया तो वहीं से फॉर्मेशन हुई है सो so, और ये सॉरी <coughs> मैं आपको एक और एरिया दिखाता हूँ लुक दी आर एस आई ठीक है ये भी हमारा जो डिफ़ॉल्ट आर एस आई होता है दैट इज़ बिलो थर्टी एरिया सो इट्स मीन कि यहाँ पे बायर्स अटैक कर सकते हैं गोल्ड के ऊपर और इसको मैं रिलेट करता हूँ आपके डॉलर इंडेक्स के साथ क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने स्ट्रॉग हो जाना है गोल्ड ने ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना है ठीक है बिकॉज ये मैं बताऊंगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा इनकी को क्या होती हैं अभी आप देखें डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स में भी मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा हेल्प आउट कर दूँ तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक अप चैनल बनने जा रहा है ठीक है दैट इज़ कॉल्ड डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा तो आपका यूरो पाउंड आपको ऑब्वियसली पता है ठीक है डॉलर इंडेक्स के साथ इनकी रिलेशन है तो डॉलर इंडेक्स को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ये आप देख सकते हैं सॉरी uh, मैं ये ट्रेंड लाइन uh, यहाँ पर रजिस्टेंस एरिया बनाना चाहता था सॉरी uh, ये रेजिस्टेंस एरिया डॉलर इंडेक्स का है जो कि मैं देख रहा हूँ दैट इज़ नाइनटी ट्वेंटी थर्टी इसने भी जेड ब्रेक किया तो अगला 1966 सिक्सटी सिक्स और इससे ऊपर भी मोर हाई जा सकता है तो डॉलर इंडेक्स का भी मैं आपको बता देता हूँ कि लुक लाइक दिस काइंड ऑफ मूव इन द कपल ऑफ इनकमिंग डेज अगला वीक बाय का इन शाह एच फोर में देख सकते हैं आप डॉलर इंडेक्स हेडिंग टूवर्ड्स इफ आई जस्ट नाइनटीन सिक्सटी सिक्स एरिया इमीजिएट टारगेट फॉर द डॉलर इंडेक्स ठीक है गाइज सो ये मैं थोड़ा तो, सा छोटा सा एनालिसिस दस मिनट की वीडियो हो होगी सॉरी बड़ी नहीं होनी चाहिए मुझे फीडबैक दीजिएगा और ये कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट है मैं आपको लास्ट थ्री मंथ्स की इसकी हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ सॉरी लास्ट मंथ की हिस्ट्री दिखा देता हूँ थ्री मंथ्स को छोड़ें ये देखिए ये ट्वेंट दो हज़ार सोलह डॉलर मुझे क्लाइंट की तरफ से आया है मैंने सात सौ छियालीस का प्रॉफिट किया है और उनको भी डिवाइड हुआ है सात सौ छियालीस में से सिक्सटी परसेंट उनको जाता है और फोर्टी मुझे आते हैं तो इट्स मीन मैंने एक मंथ में आप चेक कर लें कितनी अर्निंग की है ठीक है आई जस्ट वन आ शो यू माई कॉपी ट्रेडिंग रिज़ल्ट ये देख सकते हैं आप थैंक यू वेरी मच बस ये सर्विस से रिजल्ट आपको दिखाने थे और आप मुझे कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करके और मुझे फीडबैक दीजिएगा और मुझे इस पर कमेंट कीजिएगा और मैं अपना नंबर भी आपको दे देता हूँ ठीक है इन शाला मिक्स लैंग्वेज हुआ करेंगी उर्दू इंग्लिश मिक्स उर्दू जो है ना हमारी मदर लैंग्वेज है दैट्स वाई मैंने आज प्रेफर्ड किया बट आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज मैनी फॉरनर्स आर वर्किंग विद मी एंड दे वांट टू नो द मार्केट स्ट्रक्चर दे वांट टू नो हाउ द मार्केट रिजेक्ट नेक्स्ट वीक वट दानी रजा थिंकिंग इट्स ऑल अबाउट माई थिंकिंग ओके इट्स माई व्यूज़ बट आई विल ट्रेड